जोर से बोलो जय बाबा जी। गोपू आज कहाँ जा रहे हैं? हम चांदी देखने जा रहे हैं यार। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं तलैया मोहल्ले की झांकी से, और आज यहां पर महाआरती का आयोजन किया गया है, इसलिए देखिए काफ़ी संख्या में भक्तजन इकट्ठे हुए हैं झांकी के अंदर। और चूँकि हम चौराहे पर आए हुए हैं तो यहां पे मंदिर के भी दर्शन करवाते चलते हैं आपको। ये है तलैया मोहल्ला दुर्गा चौक पर स्थित मंदिर, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति सबसे पुरानी है, और जब ये नया मंदिर बना तो यहाँ पे देवी माता की और गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। परिणय गार्डन के सामने चौधरी भवन के पास लोहांगी के जस्ट नीचे की तरफ ये झांकी लगी हुई है। यहाँ देखिए एक छोटी सी प्रतिमा माता रानी की विराजित है, और डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से थोड़े आगे चढ़ने पर राइट साइड में ऊपर लोहांगीपुरा की ये झांकी है, जिसमें देखिए लाइट का डेकोरेशन, ये फाउंटेन उन्होंने यहाँ पे सजाया हुआ है, और अभी देखिए माता रानी की प्रतिमा का श्रृंगार चल रहा है, और एक रंग की अष्टभुजी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। श्री नवदुर्गा उत्सव के ये शुरुआती दिन है, इसलिए अभी कई झांकियों में हमने देखा कि डेकोरेशन और मूर्ति की सजावट का काम चल रहा है। भाई भाई युवा संगठन द्वारा स्थापित ये प्रतिमा बरेपुरा चौराहे पर स्थित है। इसमें अष्टभुजा शेरावाली को शेर पर सवार देखा जा सकता है। हर हर शंभू। अभी तक जितनी भी झांकियां मैंने देखी हैं उनमें ये सबसे अद्भुत, सबसे ज़्यादा कलाकारी से भरी हुई झांकी है, जहाँ पे एक सिक्के के दोनों पहलुओं पर छोटी सी दुर्गा माँ और दुर्गा माँ अशोक चक्र पर विराजित दिखाई गई हैं। कैसी लगी है झांकी? यहाँ से थोड़े आगे चलने पर मोहनगिरी रोड पे माताजी की ये प्रतिमा के हमें दर्शन हुए। इसमें माताजी सिंह पर बैठी हुई हैं। थोड़े से और आगे मोहनगिरी रोड पर ही ये प्रतिमा तीन भागों में है, और इसे मैं कहूँगा काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। माता रानी भोलेनाथ के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, राधा कृष्ण के भी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। ये है गल्ला मंडी बंद गेट की झांकी, और यहाँ पे हमको माता जी की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर भी कोरोना काल के बाद मूर्ति का साइज काफ़ी छोटा हो गया है। भवानी गोपाल भी आरती का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं अरिहंत बिहार। अरिहंत बिहार की झांकी विदिशा की सबसे बड़ी झांकियों में से एक मानी जाती है, और इस बार यहाँ पर एक कलर की प्रतिमा स्थापित है। यह लाल रंग प्रदर्शित कर रहा है कि लाल पत्थर से निर्मित प्राचीन मंदिर की मूर्तियाँ किस तरह से होती हैं। ये बड़ी सुंदर भव्य मूर्ति अरिहंत बिहार में स्थापित है। खरी फाटक रोड पर जो नया ब्रिज बना है उसके बगल में ये झांकी बनी हुई थी। पिछले साल ये झांकी ब्रिज के राइट हैंड साइड जो मंदिर है वहाँ पर थी, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। महाकाली मैया के भव्य स्वरूप के दर्शन हमको होते हैं इस झांकी में। ये झांकी स्थापित है खरी फाटक बाहर, और पिछले मेरे कुछ सालों के ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़िया, बड़ी सुंदर और भव्य मूर्तियाँ ये लोग ला रहे हैं, और हर साल की तरह इस बार भी ये देखिए यहाँ पे गणेश जी भी आपको इसका झांकी में दिखाई देंगे, कार्तिकेय जी भी हैं,
और माँ काली का भव्य स्वरूप। और देखिए कितने सारे लोग इस गरबा के कार्यक्रम को देखने के लिए झांकी में उपस्थित हैं। अब हम आ गए हैं पीतल मिल चौराहे पर। यहाँ पर भी माता रानी की झांकी में आरती हो रही थी और यहाँ की प्रतिमा मैंने काफ़ी दूर से इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ तक मैं इस वीडियो में दिखा पा रहा हूँ, राम दरबार है लेफ्ट साइड में, इसमें हनुमान जी भी हैं नीचे बैठे हुए, राइट साइड में शिव पार्वती जी का परिवार है। यहीं से जब हम थोड़े आगे बढ़े और सागर रोड पर एक छोटे साइज़ की प्रतिमा हमको इस झांकी में दिखाई दे रही है। इसमें भी काफ़ी सुंदर मूर्तिकला का प्रदर्शन है। तो अब हम आ गए हैं साई एनक्लेव कॉलोनी में। यहाँ पर यह झांकी सारे रहवासी मिलजुल कर लगाते हैं और ये देखिए माताजी की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। वाह कितनी सुंदर मूर्ति है ना पियू, मूर्ति है ना, पेंट भी करी होगी। इसमें नाव पर दुर्गा जी हैं, है ना, नाव और राक्षसों का बात कर रही हूँ। देखो एक नीचे नाव राक्षस नीचे भी लटका हुआ है। ये है खाटू श्याम मंदिर के चौराहे वाली झांकी। ये झांकी है बंटी नगर रोड की और यहाँ पे झांकी में छोटी छोटी बालिकाएं गरबा नृत्य कर रही थी। और ये देखिए ये एक रंग की झांकी है, इसमें भी गणेश जी और कार्तिक के बने हुए हैं। और इससे आगे जब हम गए तो बहुत भीड़ थी, रास्ते में बहुत भीड़ मिली, बड़ी मुश्किल से हम बंटी नगर की झांकी तक पहुंच पाए। और आप शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये मैंने जो देवी माँ की प्रतिमा का वीडियो रिकॉर्डिंग करी काफ़ी दूर से करी है, और यदि मैं कैमरा वापस से जूम आउट करता हूँ तो जन सैलाब का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। ये देखिए जिधर तक भी नज़र जा रही है हमको सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। और ये शायद कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, वो तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया क्योंकि यहाँ से निकलना भी बड़ा मशक्क़त का काम था। वहाँ देखिए पीयू गोपाल गाड़ी के पास खड़े हुए हैं और ये मैंने एक मैं कहूँगा असफल प्रयास है इस वीडियो इस झांकी को दिखाने का। तो यहाँ से हम अब आगे आ गए हैं करैया खेड़ा रोड पर। यहाँ पे एक ये बड़ी सुंदर कलरफुल प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसमें लेफ्ट साइड में राम दरबार, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी हैं और राइट साइड में शेष शैया पर सोते हुए विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं और ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी भी हैं। इससे आगे ट्रिनिटी कॉन्वेंट में बैक साइड से जाने का रास्ता है और उसी रास्ते के मोड़ पर यह माता जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें यह असुर का मर्दन कर रही हैं देवी मैया। मगर मैं ये कहूँगा कि मूर्ति बहुत सुंदर है, देखने में बहुत प्यारी है। ये करैया खड़ा रोड की आखिरी झांकी है और यहाँ तक आने का हमारा उद्देश्य यही था क्योंकि पिछली बार इस झांकी में प्रेम मंदिर बनाया गया था और इस बार भी शायद उन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ तो भी शायद यहाँ पे कृष्ण जी की लीला करने की तैयारी है, वही देखने हम आए। और ये पीहू गोपू और भावना। अब आ गए हैं अहमदपुर चौराहे पर और यही कहूँगा ये भी एक बड़ी झांकी है और इस झांकी में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी पूरा परिवार और राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये भी पूरा राम दरबार और दुर्गा मैया जो कि राक्षस को वध कर रही हैं ऐसा दर्शाया गया है। अहमदपुर चौराहे से होकर हम दुर्गा नगर चौराहे की तरफ गए और वहाँ से हम राइट हैंड साइड टर्न हुए तो स्टेशन रोड पर ये सुंदर सी झांकी लगी हुई है। मुझे इस झांकी में जो सॉन्ग बज रहा था, कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं वो गाना यहाँ पे थोड़ा स्लो कर दिया है और बहुत बढ़िया भजन यहाँ पे चल रहा था। झांकी की थीम वही है, गणेश जी, कार्तिकेय जी और तीनों देवियाँ, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। पूरे विदिशा में थ्रू आउट यही थीम चल रही है। यहाँ से हम दुर्गा नगर पहुँचे हैं। दुर्गा नगर चौराहे पे भी जैसा कि मैंने आपको बोला एक थीम पूरा विदिशा फॉलो कर रहा है
ज़्यादातर झांकियों में हमको तीनों देवियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही यहाँ गोल्डन कलर में दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हमको देखने को मिल रही हैं। माता जी की प्रतिमा के पीछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, जिसके ऊपर अशोक चक्र भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्गानगर की झांकी में एक विशेष बात देखने को मिली। देखिए, आसपास के सारे घरों में लाइटिंग ऐसे की गई है जैसे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हों इस माता रानी की प्रतिमा और ये नौ दुर्गा पर्व को। दुर्गानगर रोड से पूरनपुरा जाते समय यह माता रानी की एक छोटी प्रतिमा झांकी में प्रतिस्थापित की गई है, जिसमें हमें शंकर जी दिखाई दे रहे हैं और एक राक्षस का वध कर रही हैं दुर्गा मैया। अब हम आ गए हैं पूरनपुरा चौराहे पर। यहाँ की झांकी में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, सारे जो भी संगीतकार हैं वो माता रानी के सामने ही बैठकर अपने वाद्य यंत्र और गीत का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। झांकी में देखिए दुर्गा मैया हैं, फिर यहाँ हनुमान जी, गौरी माता, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमको महाकाली मैया और शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरनपुरा चौराहे पर प्रतिस्थापित ये प्रतिमा काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। काफ़ी रात हो जाने के कारण यहाँ से हम वापस लौट गए। आ गए हैं विदिशा के सिद्ध मंदिर, दुर्गा मंदिर, दुर्गा नगर। यहाँ देखो बहुत सारी ज्योति जली रहती हैं, अखंड ज्योति। हालांकि अभी अखंड ज्योति का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। हेलो। देर काफ़ी हो जाने के कारण माता जी के पट लगभग बंद हो गए थे, मगर हमारी खुशकिस्मती थी कि हमको माता रानी के दर्शन करने का और आपको दिखाने का मौका मिल पाया। आप छुपी थी, छोटा सा है ना। और यहाँ मंदिर में एक फैमिली रियूनियन हो गई, मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स मिल गए थे। Hello. और ये बच्ची बार बार सोच रही है कि मुझे क्यों दिखा रहे हैं ये चाचू। गांधी चौक नीमताल की झांकी में गोपू भाई पहले ही पहुंच गए पोज बना के कि मुझे फ़ोटो खिंचवाना है देवी जी के पास, और पीछे पीछे पीयू भी पहुंची कि मैं भी फ़ोटो में आऊंगी। देखिए ये प्रतिमा स्थापित है पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर हमको देवी मैया का एक अलग स्वरूप दिखाई देता है। मूर्ति का रंग जो है काला है, तो हम कह सकते हैं काली माँ है, मगर इस मूर्ति में दुर्गा माँ के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। पीछे के बैकग्राउंड को भी मल्टी कलर सर्किल से सजाया गया है। माँ अम्बे की एक छोटी प्रतिमा स्थापित है बस स्टैंड की झांकी में, जिसमें कई देवी देवता हमको माता रानी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम बढ़े मेरी सबसे फेवरेट, सबसे सुंदर झांकी जो मैंने इस बार देखी। वाह, बहुत ही सुंदर झांकी, बहुत ही सुंदर दृश्य। इस झांकी में पहले तो बीच में दुर्गा मैया और भगवान शिव को दिखाया गया है, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। और शायद इस झांकी में जो ये 10 दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। साथ ही साथ ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी हमको इस झांकी में दिखाई दे रहे हैं। और देवी के बाग की झांकी की ये खासियत है कि ये कुछ ना कुछ स्टोरी के साथ झांकी सजाते हैं। देवी के बाग से आगे आकर हम पहुंच गए हैं डंडापुरा। डंडापुरा में भी काफ़ी बड़ी झांकी माता रानी की लगाई गई थी, और यहाँ पे हमको राम जी का पूरा परिवार, यानि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शिव पार्वती जी भी गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और माता रानी एक राक्षस का वध कर रही हैं। तो इस तरीके से ये झांकी है डंडापुरा की झांकी। जिस तरह माता रानी हमको विभिन्न माध्यमों से कुछ ज्ञान के पाठ पढ़ाती रहती हैं, उसी तरह यहाँ गोपाल की माता जी भी उसको कुछ पाठ पढ़ा रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं बड़े बाजार की झांकी में। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लाइट का डेकोरेशन है। और आगे हम झांकी के पास जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हमको तीनों देवियाँ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ तीन देवियों के स्वरूप में दुर्गा मैया हैं, काली मैया हैं और शायद सरस्वती मैया हैं।
तो इतना ही मुझे समझ आ रहा है, बाकी झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। इस झांकी में दुर्गा मैया का एक अद्भुत सौम्य स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक योगिनी भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये है खाई रोड लोहा बाजार की झांकी, जहां पे माँ की अदालत दर्शाई गई है। तो देखिए, इस अदालत में सबसे बीच में जो माता जी हैं वो जज हैं, माता जी और शंकर जी। इसके साथ ही साथ लेफ्ट साइड में गवाह हैं, कटघरे में खड़े हुए हैं नारद जी, और कार्तिकेय जी भी गवाह हैं। यहाँ ऊपर दरवान है, और लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं हमको ऊपर। और राइट साइड में देखिए, ये मुजरिम है, उसके पीछे दरबान है, पहरेदार है, और राइट साइड में ऊपर की तरफ भगवान विष्णु भी हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी सी कलरफुल सुंदर थीम बेस्ड झांकी यहाँ पे लगाई गई है। अब हम पहुँच गए हैं बजरिया। बजरिया में देखिए, एक सुंदर से डेकोरेशन के बीच में माता रानी की एक सौम्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें शेर पे सवार शेरावाली को दिखाया गया है। ये है विजय मंदिर की प्रतिमा। यहाँ की प्रतिमा हमेशा बड़ी यूनिक होती है, यूनिक। यूनिक यानी अलग। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ ये लोग हर साल एक यूनिक कंसेप्ट के साथ मूर्ति को लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, कई सारे मुख माता जी के और कई सारी भुजाएं दिखाई दे रही हैं, शानदार। क्या बेटा, उल्टे पैर कैसे कर लिए? कहाँ उल्टे हैं पैर बेटा? एक रंगी मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति कला का प्रदर्शन। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ, तो बचपन से ही कार्तिक चौक पर हमेशा अच्छी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा और शायद एक रंग की प्रतिमा स्थापित की जाती रही। यहाँ से हम आगे बढ़े चौपड़ा की तरफ। चौपड़ा में अब हम पहुँच गए हैं कन्याशाला चौपड़ा, जहाँ पर देवी मैया की एक प्रतिमा, जिसमें शिव जी का बाल स्वरूप और शिव जी का वयस्क स्वरूप दोनों दिखाया गया है माता रानी के साथ। बहुत ही सुंदर हंसती मुस्कुराती हुई माता जी, साड़ी कितनी सुंदर है। इस बार चौपड़ा व्यायामशाला के बाहर की तरफ ही झांकी लगी थी, और ये माता जी की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजित है। यहाँ से हम आगे बढ़े श्री नवरत्न चामुंडा दरबार। यहाँ भी विदिशा की बड़ी झांकियों में से एक झांकी लगती है। और देखिए, इस झांकी में दर्शाया गया है कि भगवान कृष्ण भीष्म पितामह का वध करने के लिए रथ का पहिया उठा लिए हैं, और सीधे हाथ तरफ राम जी का परिवार, यानी कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी, और साथ में देवी मैया। जय माता दी। अब हम आ गए हैं शिव मंदिर पर। झांकियों के मामले में शिव मंदिर की रेपुटेशन बहुत हाई है। यहाँ हर साल बहुत बड़ी और काफ़ी सुंदर मूर्ति विराजित होती है। जैसे कि यहाँ भी देखिए, ये प्रतिमा में तीनों देवियाँ दर्शाई गई हैं, मगर मूर्ति कला और कलर कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन है। यहाँ देखिए, दुर्गा मैया, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के स्वरूप को दर्शाया गया है। नीचे आप हंस को भी देख पा रहे होंगे, उल्लू को भी देख पा रहे होंगे, और शेर भी है, बेहतरीन। जयप्रकाश मंच पर 2 साल पहले तक जयप्रकाश मंच पर बहुत ही बड़ी और भव्य झांकी लाई जाती थी, मगर वही मैं कहूँगा, कोरोना काल का यहाँ पे प्रभाव है। मूर्ति का साइज तो छोटा हो गया है, मगर डेकोरेशन ये लोग हमेशा बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जैसा कि आप इस बार भी देखें, जो स्टेज है वो स्टेज की साज सज्जा भव्य है, अति उत्तम। इसी के पास में हरि सिंह एंड कंपनी के बगल में एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ और एक अच्छी मूर्ति कला के साथ ये प्रतिमा स्थापित है। इसमें देखिए, दिखाया तो वही कंसेप्ट है, गणेश जी एंड कार्तिकेय जी, मगर एक रंग की मूर्ति बहुत सुंदरता के साथ सजाई गई है।
तो अब हम वापस घर की तरफ लौट रहे हैं और रास्ते में ये एक रंग की या काले रंग की प्रतिमा है किरी मोहल्ले में स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में। तो इस प्रतिमा में भी देखिए दुर्गा मैया हैं, वो एक राक्षस का वध कर रही हैं, शेर पर सवार हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी यहाँ पे दर्शाई गई हैं, साथ ही साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी यहाँ दिखाया गया है। तो ये झांकी है किरी मोहल्ले की झांकी। तो अब हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर की सुबह सुबह मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए निकल पड़ा और सबसे पहले मैं पहुँचा अहमदपुर रोड पर। अहमदपुर रोड पर यह दुर्गा मैया की प्रतिमा विराजित है, जिसमें दुर्गा मैया एक राक्षस का संहार कर रही हैं और दूसरा राक्षस बगल में है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो हम पहुँचे शेरपुरा रोड पर। ये झांकी है शेरपुरा पे शांति कॉम्प्लेक्स में स्थापित। इस झांकी में जो एक पॉपुलर थीम है अभी तक जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दुर्गा मैया हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हैं, साथ ही साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं। तो ये थीम थॉरोली इस बार की दुर्गा उत्सव में हमको देखने को मिल रही है। और इसे कोइंसिडेंस कहें या प्लानिंग कहें या हो सकता है कि निर्णायक कमेटी ने कोई थीम दे रखी हो। यहाँ से देखिए जब हम आगे बढ़े शिवराज जी के पुराने घर की तरफ तो वहाँ पर भी एक प्रतिमा, और ये तो लगभग हूबहू इसके पास वाली प्रतिमा जैसी ही लग रही है। इसमें भी देखिए दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े क्रांति चौक की तरफ तो क्रांति चौक में भी देखिए वही थीम मगर मूर्ति कला का एक अलग प्रदर्शन, जिसमें देखिए दुर्गा मैया यहाँ तीर कमान लिए हुए हैं और राक्षस को तीर मारने वाली हैं और सरस्वती जी लक्ष्मी जी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। गणेश जी वास्तव में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्वरूप गणेश जी को दिया गया है और कार्तिकेय जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये विदिशा की कॉमन थीम फॉलो करती हुई कुछ झांकियाँ मैंने आज सुबह सुबह ऑब्जर्व करी। यहाँ से हम पहुँचे जेल रोड पर, तो ये है जेल रोड की काली मैया। महाकाली मैया महाकाल की पत्नी है और महाकाली को भगवान शिव का ही एक रूप कहा गया है। संस्कृत में महाकाली को महाकाल का नारीवत रूप माना गया है। यहाँ से हम आगे बढ़े राम द्वारे की तरफ, तो राम द्वारे में यह है पिंक कलर की साड़ी में देवी माँ की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसमें देवी माँ के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और छोटे से गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम आगे पहुँचे हरिपुरा की तरफ, और गौर करने की बात है कि राम द्वारे से लेके हरिपुरा तक काफ़ी दूरी पर ये झांकी स्थापित है। तो यहाँ के लोगों को मैंने बात करते सुना कि माता रानी की साड़ी ये रोज़ बदलते हैं, उसी बारे में मैंने उनसे पूछा। जय माता रानी। तो क्या श्रृंगार भैया आप रोज़ करते हो? जी भैया रोज़ साड़ी बदलते हैं माता रानी की? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मतलब आप लोग अपने घरों से लेके आते हैं? साड़ियाँ तो हमारे यहाँ से ही आती हैं। अच्छा, लेना भैया जी खुद के खरीद के लाए निजी पैसे से। अच्छा ठीक है। अब हम आ गए हैं शिवाजी चौक की झांकी। शिवाजी चौक पर जो झांकी स्थापित है ये वही कॉमन पैटर्न जो विदिशा में चला आ रहा है उसी को फॉलो कर रही है, मगर ये बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि मूर्ति कला और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया इसमें बनाया गया है। जैसे कि ये देखिए गणेश जी हैं, ऊपर सरस्वती जी हैं, यहाँ देवी मैया हैं, ये राक्षस का संहार कर रही हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं और सरस्वती जी हैं। और ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन, जो मूर्तिकार की जो कला है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखाई गई है। ये काफ़ी सुंदर मूर्ति कहूँगा मैं। पटी का मंदिर के पास मांसकुली की झांकी है, हालांकि मैं आया हूँ मगर अभी पट बंद है माता रानी के। मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर लिया, यदि नहीं आ पाया तो भी इसकी एक क्लिपिंग तो डाली दूंगा ताकि यहाँ के हमारे दर्शक हैं उनको शिकायत ना रहे कि मांसकुली नहीं आया।
गया हूँ नंदवाना। पिछली बार मैं नंदवाना नहीं आ पाया था तो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की शिकायत थी कि नंदवाना की झांकी नहीं कवर करी, तो इस बार विशेष रूप से मैं मैनेज करके नंदवाना आया हूँ। मगर मूर्ति नो डाउट यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे देखिए गणेश जी भी दिखाई दे रहे हैं, शंकर जी भी दिखाई दे रहे हैं, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, कार्तिकेय जी, दुर्गा मैया। और कहना चाहूँगा एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ हम पहुँचे कागदीपुरा। कागदीपुरा में बटेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में यहाँ पे माता जी की पूजा अर्चना चल रही थी और यह प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके आगे हम बढ़े तो ये मेघदूत टॉकीज के सामने की तरफ या कागदीपुरा के पास में ही ये झांकी स्थापित थी, जहाँ पे एक रंग की माता जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से हम नीमताल की तरफ आगे बढ़े तो SS पैथोलॉजी वाली गली में ये मातृशक्ति युवा संगठन द्वारा स्थापित प्रतिमा माँ की दिखाई दे रही है। देखिए इस मूर्ति के बीच में भोलेनाथ और माँ दुर्गा को दिखाया गया है जो कि राक्षसों का संहार कर रही हैं, और सीधे हाथ तरफ शेर के ऊपर गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं जो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उल्टे हाथ तरफ हमको सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दिखाई देती हैं। तो हम आ गए माँ भीजा सिंह दरबार स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा। पिछली बार मेरे दर्शकों के कुछ कमेंट्स आए थे कि स्वर्णकार की कॉलोनी की झांकी रह गई है, तो यहाँ मैं इस बार विशेष रूप से इसको रिकॉर्ड करने आया हूँ। देखिए यहाँ भी एक बड़ी प्रतिमा है जिसमें लेफ्ट साइड में गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं, राइट साइड में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी हैं, साथ में देवी मैया दिखाई दे रही है। आगे हम आ गए हैं निकासा की झांकी में, तो निकासा में जैसे कि हमेशा एक सिंपल दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित होती रही है, वैसे ही हर साल की तरह यहाँ पे ये प्रतिमा है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि इसमें हनुमान जी के साथ कार्तिकेय जी को दर्शाया गया है या शनि देव को दर्शाया गया है। 2 अक्टूबर की शाम को हम फिर से निकले बाकी बची हुई झांकियों की रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि गोपू मुझे याद दिला रहा था कि पापा वैशाली नगर में काली माँ की झांकी लगी है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, इसलिए हम निकले। तो ये झांकी है बंदा बैरागी मार्ग परिणय गार्डन के पीछे की तरफ। यहाँ से हम आगे बढ़े तो साऊ धर्मशाला के पास में जो झांकी है उस झांकी में आरती का आयोजन किया गया था और आरती में काफ़ी भीड़ होने के कारण मुझे दूर से उसे रिकॉर्ड करना पड़ा। देखिए इसमें राधा कृष्ण और राम दरबार ये दोनों दर्शाए गए हैं दुर्गा माँ की प्रतिमा के साथ में। तो वैशाली नगर की इस झांकी को देखकर पीहू ने ऑब्जर्व किया कि नीचे भगवान शिव हैं, तो उसको फिर मैंने कहानी बताई कि माँ काली ने अपना स्वरूप रक्त बीज का संहार करने के लिए लिया था, मगर वो क्रोध के में इतने ट्रांस में चली गई थी कि उनका क्रोध शांत करने के लिए शिव जी रास्ते में लेट गए थे, और जब माता का पैर उनके ऊपर गलती से रखाया तो उनका क्रोध शांत हुआ। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़े, ये है रीठा फाटक की झांकी, और इसमें भी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है जिसमें नीले कलर की साड़ी और नीले कलर का श्रृंगार माता जी के ऊपर किया गया है, और इसमें शिव जी और विष्णु जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ से आगे आज की आखिरी झांकी ये है वैशाली नगर की झांकी, और इन सब झांकियों में यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, और इसी के साथ ही जय माता दी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोलो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें।